हाय गाइस, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं बाइट शास्त्र चैनल। अगर आप चाहते हैं कि कोई गूगल में आपका नाम लिखे और आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गूगल पे आ जाए, तो उसके लिए दो ही तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अपना नाम इतना करो कि आपका नाम गूगल पे छा जाए, या दूसरा तरीका है कोई काम ऐसा करो। तो काम के बारे में आपको मैं यहाँ पे आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कि गूगल ने एक शुरू की है एक नई सर्विस पीपल कार्ड्स के नाम से। जैसे आप अपना विजिटिंग कार्ड बनवाते हो और जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो लोगों को, ऐसे ही आप अपना एक डिजिटल कार्ड बना सकते हो गूगल पे। तो जब भी कोई गूगल पे आपके नेम से सर्च करेगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन वहां पे उसे मिल जाएगी। तो इस सर्विस को कैसे यूज करते हैं, क्या है ये सर्विस, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे नए इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते हैं ये सर्विस काम कैसे करती है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपने अपने गूगल के अकाउंट से लॉगिन करना है, मीन्स अपने जो जीमेल का अकाउंट है उससे लॉगिन करना है। ये स्टेप नेसेसरी है, आपको गूगल के जीमेल आईडी से लॉगिन करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये सर्विस अभी सिर्फ मोबाइल पे ही अवेलेबल है। आप अपने डेस्कटॉप लैपटॉप पे जाके इस फैसिलिटी पीपल कार्ड सर्विस को यूज नहीं कर सकते हैं, इसे अभी सिर्फ आप मोबाइल के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो आपने गूगल को ओपन कर लेना है गूगल क्रोम ब्राउजर में जाकर, और उसके बाद गूगल में आपने लिखना है एड मी टू सर्च। जैसे ही आप एड मी टू सर्च लिखते हैं आपके सामने रिजल्ट आएगा जिस पे लिखा होगा एड योर सेल्फ टू गूगल सर्च। बस आपने कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक कर देना है गेट स्टार्टेड पे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको मिलता है एक क्रिएट ए पब्लिक प्रोफाइल का ऑप्शन। यहाँ पे कुछ आपको फील्ड्स मिलते हैं, कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिनको आपने फिल करना होगा। तो सबसे पहला जो है वो है नेम। यहाँ पे आप अपना नेम लिख देंगे। जिन भी फील्ड्स के आगे आप देख सकते हैं कि स्टार लगा हुआ है वो सारे मैंडेटरी ऑप्शन है, मीन्स आपको इन फील्ड्स में कुछ ना कुछ एंट्री करनी ही पड़ेगी, आप इनको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो लोकेशन में मैं यहाँ पे मेरी लोकेशन लिख देता हूँ। अबाउट में आप अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं जो आप पब्लिक के साथ शेयर करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे मैंने अबाउट सेक्शन में लिख दिया है। फिर ऑक्यूपेशन में आप अपना ऑक्यूपेशन लिख सकते हैं। अगर हम वर्क की बात करें तो यहाँ पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट का नेम लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एजुकेशन, यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। होम टाउन में आप अपना होम टाउन लिख सकते हैं। वेबसाइट, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट byteshastra.com लिख देता हूँ। अब आते हैं सोशल प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप अपने फेसबुक का यूआरएल दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अपना फेसबुक का यूआरएल लिख दिया है। एड अनदर प्रोफाइल में मेरे पास यहाँ पे इंस्टाग्राम का है, तो मैं मेरा इंस्टाग्राम का भी हैंडल यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा बाइट शास्त्र के नेम से, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है ट्विटर, तो ट्विटर पे भी आप मुझे बाइट शास्त्र के थ्रू इजीली फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल, आप ये मेरा जो वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आप इसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो। मैं कर देता हूँ इसे सेव। सेव होने के बाद यहाँ पे मिलता है आपको नेक्स्ट ऑप्शन ईमेल का, तो यहाँ पे मैंने मेरी ईमेल जो है वो डाल दी है। फिर उसके बाद मुझे एक ऑप्शन मिलता है फ़ोन नंबर का, तो फ़ोन नंबर एक मैंडेटरी फील्ड है, ये आपको देना ही पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर भी यहाँ पे लिख दिया है। तो अब मैं करूँगा प्रीव्यू पे क्लिक। जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे तो आपको इस टाइप से रिजल्ट शो होगा, जहाँ पे आपका नेम होगा, आपका ऑक्यूपेशन होगा, आपका प्लेस या लोकेशन होगी, जो आपने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया था वो कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कि एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपका होम टाउन, आपकी अगर वेबसाइट है तो वो, और आपके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जैसे कि यहाँ पे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अगर कॉल कोई करना चाहता है तो इसके थ्रू आपके नंबर पे वो कॉल भी कर सकता है, और ईमेल करना चाहता है तो आपके ईमेल एड्रेस पे वो ईमेल भी इजीली कर सकता है। तो इस तरह से आपका ये डिजिटल कार्ड शो होगा जिसे आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं गूगल के थ्रू। तो ये थी गूगल की पीपल कार्ड सर्विस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके काम का है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को शेयर कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।